हाई गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गेस व्हाट, वेयर आई एम, वापस एयरपोर्ट पे आ गई हूँ मैं। एंड इस बार जा रहे हैं हम घर। इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ, एक्साइटमेंट देखो बस आप। बस बोर्डिंग की वेट हो रही है, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू फ्लाई। यस, आई एम ऑलरेडी फ्लाइंग टू इंडिया। मॉम केम टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट। जब मैं लैंड करी थी तो पायलट ने बोला था इट्स अ प्लेजेंट वेदर आउटसाइड, ओनली 32 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे मेरी फट गई थी। मेरे आने की खुशी में मम्मी ने मेरे लिए मेरी फेवरेट मील बनाई थी, चिकन एंड रोटी। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं गेस व्हाट कहाँ पे हूँ, मैं इंडिया आई हूँ, मेरे घर, बैक टू मुंबई। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इट हैज़ बीन 2-3 डेज जो मैं आ गई हूँ, बट मैं ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं घर पे ही थी। आई वॉज़ वर्किंग, तो मैं वर्क फ्रॉम होम लेके आई थी, तो मैं पूरे टाइम काम ही कर रही थी। बाहर भी जाने का मुझे मौका नहीं मिला अभी तक। अभी आज मैं जा रही हूँ बाहर कुछ शॉपिंग करने। द रीज़न ऑफ कोर्स विजिट करना था मुझे, बट द मेजर रीज़न वाई आई केम टू इंडिया इज़ माई ब्रदर्स वेडिंग। मेरे सगे भाई की, US वाले भाई की शादी हो रही है। दैट्स ओनली भाई आई हैव बाय द वे। सो आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल। एंड इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मेरी मॉम ने काफ़ी कुछ मेरे लिए ड्रेसेस खरीद के रखे हैं शादी में पहनने के लिए एक्सेट्रा। बट कुछ चीज़ें मुझे लेनी है, स्टिचिंग वगैरह के लिए देना है कपड़े एंड ऑल, तो उसके लिए हम आज जा रहे हैं। एंड गाइज, मेरी फ़्लाइट मैंने ब्रिटिश एयरवेज ली थी एंड इट वॉज सो पथेटिक लिटरली। मैं बताना चाह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा बेकार थी ना। हम लोग को 12 PM UK टाइम BST पे डिनर सर्व किया एंड आई वॉज लाइक सो हंग्री बाय द टाइम। मेरी 8:30 की फ़्लाइट थी एंड 12 बजे मुझे खाना मिला है। मैं इतनी ज़्यादा भूखी थी तब क्योंकि मैं कुछ पैकिंग वगैरह में बिजी थी और ट्रैवल भी कर रही थी क्योंकि दूर है हीथ्रो लंदन से, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, जो मैंने गलती कर दी। मुझे इतनी बेकार लगी, इतनी बेकार सर्विस थी। ब्रेकफास्ट में भी जब तक वो मेरे पास आए तब तक उनके पास नॉनवेज ऑप्शन ही नहीं बचा था। सो आई डिड नॉट इवन ईट, यू नो, उनके पास वीगन ऑप्शन वो मेरे को दे रहे थे, तो मुझे बहुत ही बेकार लगा कि मतलब क्या है, मतलब तो ऐसे इतनी बकवास सर्विस थी। तो सीट्स भी कंफर्टेबल नहीं थी, कुछ नहीं रहा। आई थिंक इससे बेटर एयर इंडिया है, 110% बहुत बेटर है। ब्रिटिश एयरवेज वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। यार यहाँ पे तो इतनी गर्मी है ना, मैं लिटरली मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, इतनी गर्मी है। मतलब 32 डिग्री से ऊपर चल रहा है टेम्परेचर एंड वहाँ पे तो लिटरली 14-15 होता था, तो 17 होता था, तो हमको लगता था वाओ कितनी वार्म डे है आज। सो यार इट्स बहुत ही ज़्यादा, मेरे को पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे। मेरी मॉम कहती है गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जोरों शोरों से चल रही है संगीत की प्रैक्टिस। अभी पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। कोरियोग्राफ करी थी सॉन्ग में और मेरा कज़न करने वाले हैं, पता नहीं वो कितना करेगा। शादी है 2 दिसंबर को, दिसंबर को है, हम 30 को भोपाल जाने वाले हैं। भोपाल में होगी शादी बिकॉज जो लड़की है, जो मेरी भाभी है, वो भोपाल की है, तो वहीं पे हो रही है शादी। तो कल हम शॉपिंग गए, काफ़ी कुछ ज्वेलरी वगैरह लिया मैंने। एंड मैं कुछ भी रिवील नहीं करने वाली हूँ अभी, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो जो भी है शादी वाले वीडियो में, आपको सीधे आउटफिट दिखेगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस मंगाए हैं, बहुत सारे ज्वेलरीज मंगाए हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ भी शेयर करने के लिए। इट्स गोइंग टू बी फन। बाय द वे, मैं हमेशा ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ मेकअप प्रोडक्ट उठाती हूँ। पिछली बार जब मैं US जा रही थी तो मैंने बॉबी ब्राउन का लिप ग्लॉस उठाया था एंड रिलेटिवली थोड़ा सा, एकदम चीप तो नहीं कहूँगी पर थोड़ा चीप आता है ड्यूटी फ्री से। मैंने इस बार मैक लिपस्टिक उठाई
एंड दिस वन इज 701 ऑल फायर्ड अप एंड ये आई थिंक रेट्रो मैट लिपस्टिक्स वाला एडिशन है। डांस कर रही थी तो मेरे उथल पुथल हो गए मेरे बाल बाल, तो मेरे रूम देखो कितना चेंज हो गया। द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज दिस ये लड़की जो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में देखते हो गए उसको मेरे बैकग्राउंड में हमेशा रहती है ये। तो मेरा मिरर उधर चला गया है, उधर चला गया है, सॉरी डोंट माइंड द मेस प्लीज, उधर चला गया मिरर। यहाँ पे ये मेरे भाई ने किया है सो बेसिकली ये रूम मेरे भाई और भाभी को जाने वाले, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ यूके शादी के बाद। मेरे भाई और भाभी कुछ दिन रहने वाले, फिर वो भी चले जाएंगे जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ, तो फॉर द टाइम बीइंग ये उनका रूम बनने वाला है। एंड अभी मेरा भाई नहीं है इंडिया में, दैट्स व्हाई मैं अभी यहाँ पे आराम से चिल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलेगा ना। यूके में घर है अपना ना इंडिया में सॉरी रूम नहीं, यूके में भी है, बट यार आई थिंक आई एम गोना चेंज माय न्यू हाउस, आई एम नॉट श्योर। मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं है मेरा नया घर, मैं दिखाऊंगी, बट यू नो क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया नया हाउस का, तो मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैं मुझे पता है मैं फिर शिफ्ट कर जाऊँगी। तो ऐसी है लाइफ, ऐसी लाइफ होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स की, हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है, चलते जाना है। नो मैन, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एंड आई एम गोना मेक मोर वीडियोज एज वेल, इट्स शादी एडिशन सीरीज आएगा। अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।